नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पंजाबी स्टाइल की बेसन की वेज सब्जी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आमतौर पर लोग बेसन के गट्टे के नाम से जानते हैं। इस सब्जी में आप पौष्टिक सब्जियाँ अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ घिया डाला है, क्योंकि घिया, तोरी, टिंडे जैसी सब्जियाँ बच्चे सीधे तो खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आहार में पौष्टिकता का ध्यान तो हमें रखना ही है। तो चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। पहले सामग्री जान लेते हैं। हमने सामग्री में लिया है बेसन 2 बड़े चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, खड़े मसाले 1 छोटा चम्मच, जीरा, तेजपत्ता 1, लौंग 2, इलायची छोटी 1, दालचीनी 1 छोटा टुकड़ा, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंठ पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, देगी मिर्च 1/2 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, घी मसाला भूनने के लिए, प्याज 1 कटा प्याज 1 टेबलस्पून, टमाटर 1, हरी मिर्चें 2, लहसुन की कलियां 2 से 3, आधी कटी हरी मिर्च, घीये का 1 टुकड़ा, ये हमने काट लिया है, सौंफ भूनकर दरदरी पिसी हुई 1/2 छोटा चम्मच, पुदीना पाउडर और चाट मसाला 1/2 चम्मच। मसाला पेस्ट तैयार करते हैं। ये प्याज काटकर ग्राइंडर में डालेंगे, टमाटर भी इसमें डाल देते हैं, हरी मिर्च, लहसुन की कलियां भी डाल देंगे। इसका पेस्ट बना लेते हैं। यह घिया छील लिया है, इसे कद्दूकस कर लेते हैं। बोल में बेसन डाल देते हैं, घिया, हरी मिर्च, कटे प्याज, सौंफ, सौंठ पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच घी डाल देंगे। नमक भी डाल देते हैं, पुदीना पाउडर और चाट मसाला। अब सबको डालकर अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और हल्के हाथ से गूंद लेंगे। घिया डालने से इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें अपना ही इतना रस होता है। ज़रूरत पड़ने पर बेसन आप और मिला सकते हैं। यह लीजिए, मटेरियल तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे पर पैन चढ़ाकर उसमें पानी डालेंगे और उसे उबलने देंगे। इधर बेसन जो हमने तैयार किया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर उसे लंबाई में गोल करके स्टिक्स तैयार कर लेंगे। अब इन स्टिक्स को पैन के साइज के अकॉर्डिंगली हम उसमें काट कर तैयार कर लेते हैं। इधर पानी को देख लेते हैं, पानी में उबाल आ गया है। अब हम इन बेसन के रोल्स को उबलते पानी में छोड़ देते हैं और अब इसे ढक देंगे। लगभग 5-7 मिनट तक इसे उबलने देते हैं। अब खोल कर देखते हैं, रोल्स लगभग पक चुके हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं, इसमें घी डालेंगे। अब घी गर्म हो गया है, पहले डालेंगे हींग, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची और जीरा, बारी बारी से सब डालेंगे। कसूरी मेथी भी डाल देते हैं। मसाले तड़क गए हैं, अब हम डालेंगे मसाला पेस्ट। थोड़ा भूनने के बाद अब हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा पानी मिलाकर इसे डालेंगे, सौंठ डालते हैं। अब मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब मलाई डाल देते हैं और चलाते रहेंगे। मलाई पहले नहीं डालनी, नहीं तो उसका फटने का डर रहता है। पानी बचा है, इसे हम सब्जी में ही ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कम पड़ने पर पानी और डालेंगे। रोल्स अब ठंडे हो गए हैं, इन्हें पैन में से बाहर निकाल लेते हैं। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लीजिए, रोल्स के टुकड़े हमने काट लिए हैं। इन्हें आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। इसमें हम थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे और अब ग्रेवी के हिस्से का नमक भी डाल देते हैं, धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। मसाला भुन चुका है, अब इसमें कटे हुए घीये वाले बेसन के टुकड़े डाल देते हैं और इसे थोड़ी देर तक चलाएंगे। बेसन के टुकड़ों पर मसाला चढ़ गया है। अब हम जो पानी अलग हमने किया था वो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि ग्रेवी सही बन जाए। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, खोल कर देखते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है और सब्जी तो तैयार हो ही चुकी है। अब गैस बंद कर देते हैं और पैन को उतार देते हैं। अब हम एक बोल लेंगे और इस सब्जी को उसमें पलट देते हैं। गरम मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं और ये कटा हुआ हरा धनिया जो हमारे पास है, इससे हम इसे गार्निश कर लेंगे।
यह लीजिए तैयार हो गई हमारी पंजाबी स्टाइल बेसन की सब्जी। लंच या डिनर में स्पेशल सब्जी की तरह सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो बहुत बनाई होगी, जरा पंजाबी टच सब्जी भी बनाकर देखिए और खाइए और खिलाइए, आनंद आ जाएगा। आप पहली बार मेरे यदि चैनल को देख रहे हैं तो अगली रेसिपी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज बस इतना ही, मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।